छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आतंक का पर्याय बन चुके दुर्दांत नक्सली लीडर विकास उर्फ सैनू मुंशी जेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए नक्सली लीडर पर छत्तीसगढ़ में 8 लाख रुपए और महाराष्ट्र सरकार की ओर से 16 लाख का इनाम घोषित था। इस तरह पकड़ा गया नक्सली लीडर विकास उर्फ सैनू मुंशी जेट्टी कुल 24 लाख का इनामी है। सुरक्षा बलों ने भैरमगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटपल्ली गांव के पास एक जंगल से उसे गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने उसे उस समय हिरासत में लिया जब उसे इलाज के लिए जगदलपुर शहर के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। विकास उर्फ सैनी जेट्टी नक्सलियों के दक्षिण गढ़चिरौली डिवीजन के अहेरी दलम के DVSC के पद पर रहकर माओवादी वारदातों में सक्रिय था। गिरफ्तार नक्सली नेता छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तेलंगाना राज्य में लगातार माओवादी घटनाओं को अंजाम भी दे रहा था। बीजापुर पुलिस को दक्षिण गढ़चिरौली अहेरी दलम के DVCM विकास उर्फ सैनी मुंशी जेट्टी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना में लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम देता रहा है। बीमार होने से वह फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से मूव कर रहा था, जिससे पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र शासन द्वारा 16 लाख रुपये एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख रुपये का इनाम उसके विरुद्ध घोषित किया गया है।